खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान, खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास, खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश, खबरें जो बनती है आपकी आवाज, खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज, सबसे पहले सबसे तेज सबसे आगे होती है हमारी खबर, खबर जो करे असर हर दिलों में अपना रंग घोलेगा। जी हाँ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। अखिल भारतीय धोबी महासंघ गिरिडीह के तत्वाधान में बेंगाबाद के सर्कस मैदान स्थित हुआ प्रखंड कमेटी का विस्तार। बताया जाता है जिला से आए जिला अध्यक्ष दिनेश बेठा, महासचिव दीपक रजक, कोषाध्यक्ष प्रदीप रजक, जिला प्रवक्ता गोपाल रजक, संगठन सचिव मनोज रजक, प्रदेश सचिव विनोद रजक, जुआ प्रकोष्ठ प्रभारी राकेश रजक व पप्पू रजक। वहीं बेंगाबाद प्रखंड कमेटी विस्तार में सर्वसम्मति से अजीत कुमार सुमन को प्रखंड अध्यक्ष से मनोनीत किया गया। वहीं सचिव बहादुर रजक को व कोषाध्यक्ष महेंद्र रजक को मनोनीत किया गया। बताया जाता है इस दौरान उपाध्यक्ष पद के लिए फोदार रजक, नूनूलाल रजक, किशुन रजक, दामोदर रजक। वहीं संगठन सचिव पद के लिए अनिल रजक, कैलाश रजक, संदीप रजक, रोहित रजक। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए महेंद्र रजक को मनोनीत किया गया। इस दौरान नव मनोनीत पदाधिकारियों को जिला से आए पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं नव मनोनीत प्रखंड अध्यक्ष अजीत कुमार सुमन ने कहा कि दिए गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे और भविष्य में अपने समाज के संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं जिला से आए जिलाध्यक्ष दिनेश बैठा ने कहा कि हमारा समाज बहुत शिक्षा के क्षेत्र में पीछे जा रहा है, उसे आगे करना मुख्य उद्देश्य है। बेगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। मीडिया बंधु, समाधान इंडिया तथा हमारे जगन्नाथ भैया, उनको हार्दिक अभिनंदन देते हैं जो अपने बहुमूल्य समय को आप हमारे समाज के प्रति दिए। और मैं कहना चाहता हूँ बेंगाबाद के सभी हमारे समाज के जो अखिल भारतीय धोबी महासंघ के जितने भी सदस्य, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो अपने बहुमूल्य समय को आपने यहाँ पर दिए, इस बैठक में आए। और हम आप सभी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने संगठन को कैसे पूरे बेंगाबाद में अपना परचम को लहराइएगा और किस तरह हर वक्त एक घड़ी के साथ खड़ा रहिएगा, चाहे शिक्षा हो या किसी लड़की का विवाह हो या किसी गरीब के साथ दोहन हो रहा, उस पर साथ रहिएगा। उसके लिए हम लोग आप लोग के साथ हैं और सभी जितने भी हमारे बेंगाबाद प्रखंड के समाज के लोग हैं उन सभी से मैं आग्रह करता हूं, इसी तरह आप जिस तरह आज बेंगाबाद में आप लोग समय दिए। जी मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ और आज मेरा जिला कमेटी की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था हम लोग को प्रखंड बेंगाबाद में चुनाव कराने का। सर्वसम्मति से यहाँ अध्यक्ष सचिव का और कोषाध्यक्ष और सदस्य लोगों का चुनाव संपन्न हुआ। हम बधाई देते हैं सभी पदाधिकारी को, ये लोग ढंग से प्रखंड में अपना हमारा समाज के बारे में विकास करें और अच्छा से कार्य करें, हम लोग इनके साथ रहें। थैंक यू। आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ गिरिडीह इकाई द्वारा बेंगाबाद प्रखंड में कमेटी गठन का विस्तार किया गया। तमाम नवनियुक्त सदस्यों को हमारी ओर से सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और हम लोग समाज में एक नए उद्देश्य से आए कि शिक्षा के प्रति, शिक्षा के उद्देश्य में बढ़ावा हो। शिक्षा का एक ऐसा महत्व है अभी के समय में जो काफ़ी वंचित हमारे समाज के लोग रहते हैं, उसमें हमेशा से पिछड़ा वर्ग जो है वो नीचे स्तर पर चले जाते हैं। मैं उन लोग सभी गार्जियन को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि बच्चों लोग को शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाए। धन्यवाद जी। मैं जिला कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय धोबी महासंघ गिरिडीह। बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात है कि आज प्रखंड बेंगाबाद के सभी धोबी समाज से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज एकता दिवस भी है और एकता दिवस के
दिन बेंगाबाद में हमारे धोबी विस्तार का कार्यक्रम रखा गया, बहुत ये और गौरव की बात है। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से सभी लोग उपस्थित यहाँ आज हुए बैठक में, इसी तरह से लोग पंचायत में जाएंगे, हर घर हर परिवार से मेरा यही आशा रहेगा कि आप एकता रहें, समाज में एकता बनाए हुए रखें और राष्ट्र स्तर पर एक हमारा अपना जो देश के प्रति हो सके, बहुमूल्य समय दे करके बहुमूल्य योगदान दें और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ें। थैंक यू। धोबी समाज का हम लोग का चुनाव करके किया गया है, हम लोग पूरा तन मन से अपना मन से काम करेंगे और ये भी कमजोर पार्टी धोबी में रहेगा उसको हम लोग सहयोग करेंगे 24 घंटा के अंदर में, जैसे भी होगा जहाँ तक जरूरत पड़ेगा उसके पीछे गाड़ी घोड़ा ये भी जरूरत पड़ेगा हम लोग तैयार। क्या नाम हो आपका? बहादुर रजक, खंडोली से। क्या पद मिला आपको? महासचिव। जी बताएंगे मनोज जी। जी हमारा धोबी समाज, अखिल भारतीय धोबी समाज की आज बेंगाबाद प्रखंड में बैठक हुई, जिसमें से हमारे सचिव कोषाध्यक्ष और सारे चुनाव किए गए हैं। जी अजीत जी बोलिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को, मीडिया बंधुओं को मेरे ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन, आप लोगों का स्वागत है। समय कीमती समय देकर के वो यहाँ पर आए, खड़े हो जाएंगे सब। आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ की बैठक हम लोग की है। इस बैठक में हम लोगों का उद्देश्य था कि प्रखंड स्तर की धोबी समाज की बैठक करना है, इसमें पदाधिकारीगण और सदस्यगण का चुनाव करना है। उसके उपरांत, चुनाव होने के उपरांत में बहुत सारे उद्देश्य हैं कि इस चुनाव के बाद हम लोग अपने धोबी समाज को कैसे आगे की ओर ले जाएंगे, कहाँ धोबी समाज हमारा पीछे की ओर जा रहा है, कहीं किसी को बहुत सारी शिक्षा का अभाव के कारण पीछे हो जा रहे हैं, बेरोजगारी के कारण पीछे हो जा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएँ आ जाती है। उन सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उस निराकरण को दूर कर निराकरण करने के लिए आज हम लोग इस जगह पर बैठे हुए हैं और इस बैठ करके हम लोग अपना धोबी समाज का गठन किया गया और गठन किया गया। मुझे जिस पद पर, अध्यक्ष पद पर मुझे बनाया गया, मैं उस पद को अपने पूरे तन मन धन से उसका पूरा करूंगा, ठीक है। और मैं अपने प्रखंड में जितने भी किसी को कोई भी समस्या होगा, मैं उस समस्याओं को हर हमेशा उस समस्याओं को पूरा करने का मैं वचन देता हूं और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, संवारने के लिए, ताकि कोई अगर समस्या आ जाती है किन्हीं को, उस समस्या को दूर करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, मैंने उसका और किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रगतिशील रहूँगा। मैं इतने थैंक यू जी। नमस्कार, BNB ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत। जानकारी दे दें कि BNB ने बेमिसाल 6 साल जहां मनाया, वहीं BNB आप सबों के घर घर और दिल दिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए जरूरत है आप सबों का भी प्यार जी। तो इसके लिए, इस प्यार को बरकरार रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बने भी रहें BNB से, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।